नेक्स्ट वन, प्रीवियस सेशन में जस्ट डिस्कस किया था, प्रोवाइड किया था सर्चिंग फर्स्ट ऑकरेंस और सर्चिंग लास्ट ऑकरेंस ऑफ अ गिवन कैरेक्टर। बट सपोज दैट किसी कैरेक्टर्स के रिस्पेक्ट में गिवन स्ट्रिंग के अंदर सारे के सारे ऑकरेंस सर्च करना है, तो इस टाइप के लॉजिक्स इंप्लीमेंट करेंगे बाई यूजिंग गिवन एग्जाम्पल्स और गिवन प्रोग्राम्स। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दैट अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग अवेलेबल है लाइक कॉरपोरेशन, स्ट्रिंग इज कॉरपोरेशन, देन इसे गिवन स्ट्रिंग के अंदर मुझे सर्च क्या करना है, ऑल ऑकरेंसेस ऑफ रिक्वायर्ड कैरेक्टर्स ओ। अगर इसे स्ट्रिंग के अंदर मुझे ओ के सारे ऑकरेंसेस सर्च कराना है, इसके साथ टू पॉसिबल केस होंगे, या तो आप ऑकरेंसेस डिस्प्ले कराओ या फिर टोटल काउंट करोगे ओ इस स्ट्रिंग के अंदर टोटली कितनी बार टाइप अपियर हुआ। देखा जाए तो ये ओ इस केस में टोटल कितनी बार रिपीट हुआ, 1, 2 and 3 टाइम्स। तो इस केस में रिटर्न क्या करा सकते हो, आइदर 3, और ओ के जितने भी इंडेक्सेस हैं वो सारे के सारे इंडेक्स टू प्लेसेस भी डिस्प्ले कराना पॉसिबल है। दोनों केस परफॉर्म करें। इस केस में जस्ट इंडेक्स के रिस्पेक्ट में बात करें, इंडेक्स ऑफ फर्स्ट कैरेक्टर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और इधर इंडेक्स ऑफ नल, नल का इंडेक्स क्या है इस केस में, जस्ट इलेवन। नेक्स्ट वन, ओ के केस में बात करें, वो सबसे पहले मैच किससे हुआ, सी से, तो सी के केस में वो इससे मैच हो रहा है क्या, नहीं। नेक्स्ट मैच किससे करा, नेक्स्ट कैरेक्टर्स, नेक्स्ट कैरेक्टर मीन्स नेक्स्ट इंडेक्स, फर्स्ट टाइम आई का वैल्यू क्या रहेगा 0, नेक्स्ट टाइम आई का वैल्यू क्या होगा 1, 1 के केस में मैच हो रहा तो इमीडिएटली आउटपुट में आप मैसेज डिस्प्ले कराओगे प्रिंट एप के थ्रू, जस्ट करंट वैल्यू ऑफ आई, करंटली आई का वैल्यू क्या है इस केस में 1। दिस इज द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ ओ। प्लस इसके साथ साथ आप परफॉर्म क्या करा सकते हो, इंक्रीमेंट इन काउंटर वेरिएबल। अगर काउंटर वेरिएबल का इनिशियल वैल्यू 0 है, जैसे ही वो इस केस में मैच होता है इमीडिएटली काउंटर में इंक्रीमेंट कराओ, तो काउंटर का वैल्यू क्या हो जाएगा इस केस में, एज अ 1। नेक्स्ट टाइम अगेन सेम कैरेक्टर ओ, नेक्स्ट टाइम मैच किससे कराओ, फर्स्ट टाइम मैच किससे हुआ फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड कैरेक्टर से मैच कराओ मैच हो रहा है क्या, नहीं। देन नेक्स्ट कैरेक्टर से मैच कराएंगे, नॉट मैच्ड, देन नेक्स्ट कैरेक्टर से मैच कराओ फोर्थ पोजिशन, मीन्स करंटली आई का वैल्यू क्या हुआ इसके अकॉर्डिंग 4। देन इस केस में भी जस्ट ओ मैच हो रहा है, वो मैच हो रहा है तो इस केस में इमीडिएटली डिस्प्ले क्या कराओ, करंट वैल्यू ऑफ 5 विच इज 4। तो आउटपुट में डिस्प्ले क्या कराएंगे एवरी टाइम, अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई, अगर गिवन कैरेक्टर सी एच किसी भी ए ऑफ आई के वैल्यू से मैच होता है, इमीडिएटली आई का वैल्यू डिस्प्ले कराओ, प्लस इसके साथ साथ परफॉर्म क्या कराओ, इंक्रीमेंट इन काउंटर, मीन्स वो टोटली कितनी बार रिपीट हो चुका है 2 टाइम, करंटली काउंटर का भी वैल्यू क्या है ऑल्सो 2। नेक्स्ट टाइम अगेन मैच कराओ नेक्स्ट कैरेक्टर, देन आई का वैल्यू क्या हो जाएगा इस केस में 5। नेक्स्ट टाइम ए से मैच कराए, देन आई का वैल्यू क्या होगा इस केस में 6। नेक्स्ट टाइम आई वैल्यू क्या होगा 7, नॉट मैच्ड, देन अगेन आई से मैच होगा, आई का वैल्यू क्या हो चुका है इस केस में 8। नेक्स्ट टाइम आई का वैल्यू क्या हो चुका है इस केस में 9। जैसे आई का वैल्यू 9 होगा देन अगेन इस केस में मैचिंग फाउंड हो रहा है, मीन्स ओ से मैच हो जाएगा, ओ से मैच होगा देन अगेन आई का करंट वैल्यू डिस्प्ले कराओ, करंटली आई का वैल्यू क्या है इस केस में 9, देन डिस्प्ले क्या हो करंटली 9। इसके साथ साथ काउंटर में इंक्रीमेंट कराएं तो काउंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। नेक्स्ट टाइम ओ मैच किससे कराओ, नेक्स्ट कैरेक्टर एन, इस केस में आई का वैल्यू क्या है 10। देन इसके जस्ट बाद क्या फाउंड हो रहा है, नल, नल के केस में जस्ट मैचिंग स्टॉप कर देंगे। देन फाइनली इस फंक्शन से रिटर्न क्या करा हुआ, वैल्यू ऑफ काउंटर विच इज 3। तो ओ के रिस्पेक्ट में जस्ट इस फंक्शन से रिटर्न क्या हुआ, करंटली गिवन इनपुट्स के रिस्पेक्ट में एज आ 3। प्लस इसके साथ साथ प्रिंट क्या करा है, सारे ऑकरेंस ऑफ ओ। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगेन जस्ट इस केस में चेक किया, इस फंक्शन ने आप कोई भी यूजर डिफाइंड फंक्शन यूज कर सकते, जस्ट इस केस में पर्पज क्या था, काउंटिंग सर्चिंग ऑकरेंस, सर्चिंग ऑल ऑकरेंस। देन इस केस में जस्ट मैं फंक्शन नेम प्रोवाइड कर रहा हूँ एज अ ऑकरेंस, रिटर्न टाइप क्या यूज करेंगे, काउंटर रिटर्न का रिटर्न टाइप यूज करोगे जस्ट इंटीजर। इनपुट्स में कितने वैल्यू रिक्वायर्ड है, फर्स्ट इनपुट क्या है स्ट्रिंग, सेकेंड इनपुट क्या है कैरेक्टर, मीन्स टोटल 2 इनपुट्स रिक्वायर्ड होंगे। फंक्शन नेम इज ऑकरेंस काउंट, जस्ट ऑकरेंस काउंट। फर्स्ट आर्गुमेंट टाइप यूज करेंगे एज अ कैरेक्टर एरे और एज अ पॉइंटर वेरिएबल एज। नेक्स्ट केस में वेरिएबल का टाइप क्या यूज करो, सेकंड आर्गुमेंट क्या पास हो रहा है, सिंगल कैरेक्टर मीन समथिंग सी एच। सिंपल ऑपरेशन ऑलमोस्ट सेम एज प्रीवियस ऑपरेशन, मीन सिमिलर टाइप से आपको लूप्स के थ्रू जस्ट इस स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर विजिट कराना है। 2 वेरिएबल्स रिक्वायर्ड होंगे, इंटीजर वेरिएबल आई एंड सिमिलरली काउंटर वेरिएबल सी। देन फोर लूप,
फोर लूप के केस में आई का इनिशियलाइजेशन भी किससे कराएंगे, जीरो से। सेम है सी का भी इनिशियलाइजेशन, काउंटर का भी इनिशियल वैल्यू क्या रखना है, जीरो। इसलिए सी में भी कैसा कर रहा हूँ, जस्ट जीरो। नेक्स्ट वन कंडीशन, कंडीशन के केस में लूप कब तक चलाओ, जब तक एस ऑफ आई का वैल्यू नल नहीं हो जाता है। सिंपली सप्लाई करेंगे एस ऑफ आई, एवरी टाइम आई में इंक्रीमेंट होगा वन से, इसलिए यूज करेंगे आई प्लस प्लस। देन और इधर लॉजिक से इनसाइड लूप, लूप के अंदर जस्ट लॉजिक क्या प्रोवाइड कराना है, जस्ट कंपेरिजन मीन्स कैरेक्टर सी एच को एवरी टाइम कंपेयर कैसे कराना है, एस ऑफ आई के वैल्यू से। इसलिए प्रोवाइड क्या करोगे, इफ कंडीशन, इफ वैल्यू ऑफ एस ऑफ आई इक्वल इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ गिवन कैरेक्टर सी एच, देन इसके जस्ट केस में सबसे पहले करेस्पॉन्डिंग आपको आई का करेंट वैल्यू डिस्प्ले कराना है। प्रिंट एफ आई किस टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर। डिस्प्ले कराने के लिए यूज करेंगे जस्ट परसेंट डी, डिस्प्ले कराएंगे वैल्यू ऑफ आई। नेक्स्ट वन इसके साथ साथ परफॉर्म क्या कराना है, इंक्रीमेंट इन काउंटर वेरिएबल सी, सी प्लस प्लस। देन फाइनली टर्मिनेटिंग बॉडी ऑफ इफ, टर्मिनेटिंग बॉडी ऑफ लूप। देन जस्ट फाइनली इस फंक्शन से रिटर्न क्या कराओ, वैल्यू ऑफ काउंटर वेरिएबल, इसलिए यूज क्या करेंगे, रिटर्न काउंट सी। देन सेम फंक्शन जब भी आपको इस टाइप के ऑपरेशन रिक्वायर्ड होंगे, रिक्वायर्ड प्लेस पर ऑलवेज कॉल क्या कर लोगे, गिवन यूजर डिफाइंड फंक्शन एज ए ऑकरेंस काउंट, मीन्स इसके लिए आप मेन फंक्शन खुद से इंप्लीमेंट कर सकते हो।